मांडू विधानसभा सीट यह वही सीट है जिस सीट पर सबसे ज्यादा पिता और पुत्र का राज रहा है, पर आज उसी मांडू की सियासत में उनकी नैया डोलती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं दल बदल कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जेपी पटेल की, जो इस बार कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। तो वहीं जेपी पटेल को आउट करने के लिए आपसू ने तिवारी महतो को मैदान में उतारा है, पर इन दोनों के कारवां को रोकने के लिए जयराम महतो ने बिहारी महतो को अपना प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो वहीं संजय मेहता भी इसी मांडू के मैदान में उतर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं मांडू विधानसभा की ओर और देखते हैं कि क्या इस बार जेपी पटेल चौका लगा पाएंगे या फिर बाउंड्री टच करने से पहले ही तिवारी महतो आउट कर देंगे और जिसका फायदा जयराम महतो उठा ले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। इस बार मांडू के मैदान में चार प्रत्याशी हैं। पहला आजसू की टिकट पर तिवारी महतो, दूसरा कांग्रेस की टिकट पर जेपी पटेल और तीसरा जेएलकेएम की टिकट पर बिहारी महतो और चौथा जेबी केसेस के टिकट पर संजय मेहता। यह चारों प्रत्याशी अपने मैनिफेस्टो को लेकर मांडू विधानसभा में उतर चुके हैं, पर इन चारों प्रत्याशियों में किसके जीतने की संभावना है चलिए उसे जानते हैं। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, इसी चुनाव में जेपी पटेल अपना दल बदलकर भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े मगर चुनाव हार गए और इस बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा में जेपी पटेल की स्थिति डोलती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में इसी मांडू विधानसभा सीट से जेपी पटेल पिछड़ गए थे। भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को इस विधानसभा सीट से 1,18,677 वोट मिले थे, जबकि जेपी पटेल को उसी के विधानसभा सीट पर 86,699 वोट मिले थे। तो वहीं संजय मेहता को भी इस विधानसभा सीट से अच्छे वोट मिले थे, जिसके कारण से वह भी मांडू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इस विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को लगभग 32,000 वोटों से लीड मिली थी, जो तिवारी महतो के लिए एक सुखद खबर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार भाजपा आजसू गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, ऐसे में तिवारी महतो जीत के आंकड़े के काफी समीप पहुंच चुके हैं। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे इतिहास गवाह है। चलिए आपको बताते हैं, जेपी पटेल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 49,855 वोटों के साथ चुनाव जीते थे। तो दूसरे नंबर पर आजसू के तिवारी महतो रहे थे, जो आजसू के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और 47,793 वोट ला पाए थे। इस लिस्ट को देखकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें कि निर्मल महतो को ही लोग तिवारी महतो के नाम से जानते हैं। तो वहीं रामप्रकाश भाई पटेल जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वह 44,768 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। पांचवें नंबर पर जेबीएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले चंद्रनाथ भाई पटेल रहे थे, जो 15,746 वोट ला पाए थे। तो वहीं सातवें नंबर पर जेडीयू की टिकट पर दुष्यंत कुमार पटेल रहे थे, जो 6,641 वोट लाए थे। हम इन आंकड़ों को इसलिए आपको बता रहे थे क्योंकि जीत हार का लगभग पूरा समीकरण इसी में छुपा हुआ है। इस बार एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा आजसू और जेडीयू का गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम और कांग्रेस का। तो ऐसे में इस बार आजसू के खाते में करीबन 1,00,000 प्लस वोट जाता दिख रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आजसू के पिछले बार के वोट को जोड़ दें, जेबीएम के वोट को जोड़ दें, उसके बाद जेडीयू के वोट को जोड़े और एक निर्दलीय प्रत्याशी के वोट को जोड़ दें, तो यही 1,00,000 वोट क्रॉस हो जाता है, क्योंकि हमने भाजपा के आए हुए वोट को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। तो वहीं अगर जेपी पटेल की बात करें तो इस बार 75,000 से भी कम वोट उनकी ओर जाता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी का पूरा वोट और जेएमएम का पूरा वोट जोड़ दे तो वह 94,000 के आंकड़े तक पहुंच पाता है। इस बार उनका आंकड़ा इससे भी कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। पहला तो कारण है कि यह मांडू सीट जेएमएम कोटे की सीट थी, पर यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जिससे माने या ना माने जेएमएम के कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी जरूर है, पर यह नाराजगी टिकट बंटवारे के वक्त भी दिखा था, जिसके कारण से झामुमो के कार्यकर्ता जेपी पटेल को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे इस पर शंका जरूर है। दूसरा कारण है जेपी पटेल का लगातार अपने क्षेत्र में विरोध होना। उस क्षेत्र में ऐसे कई काम है जो जेपी पटेल के रहते पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से जेपी पटेल को लेकर जनता में थोड़ा आक्रोश जरूर है। तीसरा कारण है मांडू विधानसभा सीट पर इस बार जेपी पटेल को लेकर एंटी इनकंबेंसी की लहर भी देखने को मिल रही है। तो वहीं उनके दल बदल के कारण कई कार्यकर्ता छूटते चले गए, जो इस विधानसभा चुनाव के लिए उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। तो वहीं इस बार जयराम महतो की पार्टी और संजय मेहता की एंट्री से उनका वोट और भी कट सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी को भी इस विधानसभा सीट से
अच्छी वोट मिली थी। इसी को देखते हुए संजय मेहता इस सीट से जेबी केसेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर इस बार संजय मेहता को इस विधानसभा सीट से एक अच्छे मार्जिन का वोट मिलेगा इस पर भी शंका है। इसके पीछे दो वजह है। पहला कि संजय मेहता लोकसभा चुनाव जयराम की पार्टी के टिकट पर लड़े थे, पर अब जयराम की पार्टी छोड़ चुके हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति नाराजगी है। और दूसरा कारण है कि जयराम महतो ने भी इस विधानसभा सीट से बिहारी महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका अपना एक जनाधार है, हालांकि वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मगर इस विधानसभा सीट पर जयराम ने भी अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली थी, जिसका फायदा जेएलकेएम प्रत्याशी बिहारी महतो को मिलने वाला है। इसलिए हमने कहा कि संजय मेहता को इस विधानसभा सीट से अच्छे मार्जिन का वोट मिलेगा, इसमें शंका है। और रही बात तिवारी महतो की, तो वह दो बार से इस विधानसभा सीट पर आजसू के ही टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने आजसू के टिकट पर 2009 में लड़ा था, पर उन्हें उस वक्त मात्र 14,463 वोट मिले थे और उस चुनाव में टेकलाल महतो की जीत हुई थी, जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसके बाद उन्होंने दूसरा चुनाव 2019 में आजसू के ही टिकट पर लड़ा और उस वक्त उन्हें 47,793 वोट मिले थे। इस चुनाव में इनका वोट परसेंटेज बढ़ा था, वह मात्र 2,062 वोटों से इस चुनाव में हार गए थे, क्योंकि इसी चुनाव में जेपी पटेल बीजेपी के टिकट पर 49,855 वोटों के साथ चुनाव जीते थे, मगर अब वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए इस बार फिर से तिवारी महतो आजसू के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं, पर इस बार का जीत का जो मार्जिन है वह काफी कम होने वाला है, क्योंकि मांडू विधानसभा सीट के जाति समीकरण को देखें तो इस विधानसभा में महतो मतदाता की आबादी 21% है, मुस्लिम मतदाता की आबादी 15%, SC की आबादी 13% और ST की आबादी 19% है। तो ऐसे में इन चार महतो नेताओं के बीच इन सभी वर्गों के मतदाताओं के वोटों का बंटवारा होने वाला है, जिससे जीत का मार्जिन बिल्कुल कम हो जाएगा। पर इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि जेपी पटेल कांग्रेस के साथ बैटिंग कर चौका लगा पाते हैं, या फिर तिवारी महतो बाउंड्री लाइन से पहले उन्हें आउट कर देते हैं, या फिर इन दोनों की लड़ाई में जयराम महतो की पार्टी आगे निकल जाती है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जोहार।